हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे ठीक है स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़ पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर क्लास फाइव का ठीक है क्लास फाइव का कंप्यूटर का सेशन है ये और सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में क्लास फाइव में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा ठीक है उसे आप लोग देख लीजिएगा ठीक है चिल्ड्रेन और आप लोगों से मैंने बताया था मैं आपका एक 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 चैप्टर कंप्लीट करूँगी पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ठीक है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ठीक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप सबको पता है प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने इसके बारे में जाना है सबसे पहला है क्वेश्चन है व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है ठीक है हमने देख कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोल दिया बट सॉफ्टवेयर होता क्या है children यू हैव स्टडीड अबाउट हार्डवेयर example फिजिकल components ऑफ द computer इन द प्रीवियस चैप्टर आप लोगों ने प्रीवियस प्रीवियस चैप्टर में हार्डवेयर के बारे में बारे में जाना ठीक है कि जो फिजिकल कंपोनेंट्स होता है जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं ठीक है ये तो हमने समझ लिया बट लेकिन ऑल दिस कंपोनेंट्स आर ऑफ नो यूज़ इफ़ इट हैज़ नो प्रोग्राम इन इट लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं यानी ये जो फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं उसका कोई यूज़ नहीं है अगर उसमें कोई प्रोग्राम ना हो ठीक है आपका कंप्यूटर है आपका कीबोर्ड है आपका माउस है ये सारा जो क्या है जिसको भी हम टच कर सकते हैं सब हार्डवेयर है जो भी फ़िज़िकल कंपोनेंट्स है सब हार्डवेयर में आता है राइट लेकिन अगर इसमें कोई प्रोग्राम नहीं हो तो फिर इसका कोई मतलब है कोई मतलब नहीं है यू नो योर कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क विथ योर इंस्ट्रक्शन आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर एक मशीन है ठीक है आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो वर्क करेगा कंप्यूटर पे आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर वैसे ही वर्क करता है राइट इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ राइट ऑर्डर कैन सॉल्व योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर आप इंस्ट्रक्शन सही तरीके से दे रहे हैं तो आपकी पर... जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी ठीक है एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम और ये जो ऑर्डर देते हैं हम ये जो इंस्ट्रक्शन देते हैं जो ऑर्डर का सेट होता है यही आपका क्या होता है प्रोग्राम होता है ठीक है अब कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्रामिंग अगर आपके मैथमेटिकल प्रॉब प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोग्रामिंग नहीं होगी आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर वर्क करेगा उस पर कोई मतलब होगा प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा तो वो जो प्लस माइनस वो जो ऑर्डर होता है ठीक है वो जो सेट होता है ऑर्डर का वही आपका क्या होता है प्रोग्राम होता है ठीक है ए एल यू होता है ना आपका जो एरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोग्राम होता है ठीक है तो समझ में आया आप लोग को प्रोग्राम दीज प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द कंप्यूटर विच वी कैन नॉट सी योर टच बट विच आर मेड टू वर्क टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं ये लोडेड होते हैं कंप्यूटर में ठीक है इसे हम टच नहीं कर सकते हैं लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है ठीक है ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? दीज प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल सॉफ्टवेयर और ये जो प्रोग्राम होता है जो प्रोग्राम का सेट होता है जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है यही आपका क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है ठीक है जैसे हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं ना विंडोज़ सेवन ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब क्या है ये सब सॉफ्टवेयर है विंडोज सेवन का सॉफ्टवेयर लेते हैं हम या किसी भी ऐप का इंस्टॉल करते हैं ना तो वो एक सॉफ्टवेयर हो गया उसे हम छू नहीं सकते लेकिन जिस वर्क के लिए है वो बना हुआ है उसका यूज़ हम वैसे कर सकते हैं ठीक है थीके? आगे देखते हैं बच्चों इट इज जस्ट लाइक द सॉन्ग्स और मूवीज़ रिकॉर्ड ऑन सी डी और कैसेट विच कैन नॉट बी प्लेड विदाउट सी डी प्लेयर और कैसेट प्लेयर ये वैसे ही इसको आप समझ सकते हैं जैसे किसी सी डी में आपका सॉन्ग्स और मूवी रिकॉर्डेड है ठीक है सी डी हो गया कैसेट हो गया किसी भी चीज़ में ठीक है उसे हम प्ले नहीं कर सकते बिना सी डी प्लेयर के या कैसेट प्लेयर के ठीक है दीज रिकॉर्डेड सॉन्ग्स और मूवीज़ आर द सॉफ्टवेयर और इसमें अब देखिए यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ़र्क समझ में आएगा ये जो सी डी है कैसेट है इसमें जो सॉन्ग और मूवी रिकॉर्डेड है वो है आपका सॉफ्टवेयर ठीक है एंड सी डी कैसेट सी डी प्लेयर ये सब क्या है आपका हार्डवेयर है ठीक है यानी मूवीज़ या सॉन्ग्स ये जो इसमें रिकॉर्डेड है उसे हम छू नहीं सकते वो एक तरीके से प्रोग्राम हो गया ठीक है लेकिन जो सीडी प्लेयर है सीडी डी जो कैसेट है सीडी है अगर इस ये ये क्या है हार्डवेयर है इसके अंदर जो रिकॉर्डेड है सॉन्ग और मूवीज़ वो क्या है आपका सॉफ्टवेयर ठीक है एज दीज डिवाइसेज आर यूजलेस विदाउट अ रिकॉर्डेड सॉन्ग और मूवीज़ ऑन इट आपका सी डी हो गया कैसेट हो गया सी डी ये सब यूज़लेस है अगर इसमें कोई भी सॉन्ग या मूवी अगर सी डी में आपके रिकॉर्डेड नहीं है तो ये एक प्लेट है सिंपल ठीक है उसका कोई मतलब नहीं है सिमिलरली कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ आल्सो ऑफ नो यूज़ विदाउट द सॉफ्टवेयर इसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो फिजिकल कंपोनेंट है वो यूज़लेस है वो बेकार है अगर उस सॉफ्टवेयर नहीं है बिना सॉफ्टवेयर के ये जो फ़िज़िकल कंपोनेंट है इनका कोई यूज़ नहीं है यूज़लेस है ये ठीक है क्योंकि अगर इसमें कोई प्रोग्राम होगा नहीं कोई सॉफ्टवेयर होगा नहीं तो वर्क क्या करेंगे कुछ भी नहीं नथिंग ठीक है चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के प्रकार ठीक so, है सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सो आपका सॉफ्टवेयर तीन कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सो लेट अस सी द यूज़ ऑफ़ दिस थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ़्टवेयर इन आवर कंप्यूटर सिस्टम आइए जानते हैं कि ये जो थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं इनका क्या यूज़ है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है ना अब भाई ये सॉफ्टवेयर है जिसका कुछ तो यूज़ होगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एज द नेम सजेस्ट इज़ मेन फॉर द इंटरनल कंट्रोल ऑफ़ द कंप्यूटर सिस्टम चिल्ड्रेन मैंने आप लोग को बताया है कि कंप्यूटर में आपका जो नेम होता है किसी भी प्रोग्राम का नेम हो गया या फिर किसी कंपोनेंट का नेम हो गया ठीक है उसके नेम में ही उसका वर्क होता है उसके नेम से आप उसके वर्क को पकड़ सकते हो कि हाँ इसका वर्क क्या होगा ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका जो नाम सजेस्ट किया गया है इसका मतलब ही क्या है कि सिस्टम का कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम है उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ही हो गया इंटरनल कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम का ठीक है डायरेक्टली दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डज नॉट सॉल्व एनी स्पेसिफिक यूजर प्रॉब्लम आपका जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली ये जो सॉफ्टवेयर है सॉल्व नहीं कर सकते बट लेकिन इन इन द एबसेंस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ आवर प्रॉब्लम एंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट यूजफुल रिजल्ट लेकिन इसके एबसेंस में यानी इसके नामौजूदगी में भी जो आपका सॉफ्टवेयर है ये जो सॉफ्टवेयर है यानी ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है अगर ये आपके कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर आपके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ना ही वो कोई यूजफुल रिज़ल्ट आपको दे सकता है ठीक है यानी हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है ठीक है अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो ठीक है अब देखते हैं मोर ओवर द हेल्प द डिवाइस कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू डू देयर स्पेसिफाइड जॉब सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्पेशली वर्क क्या है काम क्या है इसका कनेक्ट करना कंप्यूटर को ठीक है डिवाइसेज से कनेक्ट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ़ दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो ऑपरेट करता है जैसे आपको विंडोज़ हो गया ये सारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है और अगर ये ना हो तो हम कैसे फाइल बनाएंगे कैसे कोई भी चीज़ें सॉल्व करेंगे ठीक है तो आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर इज़ द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम का ठीक है एज इट गवर्न ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर ये क्या करते हैं गवर्न करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ठीक है यानी मेन इन्हीं इस इसके अकॉर्डिंग ही जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर इन दोनों को कनेक्ट करना और ये जो ऑर्डर है क्या इंस्ट्रक्शन है ये कंप्यूटर को किससे पता मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मिलता है कि करना क्या है एक्चुअली ठीक है इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर ये इंटरफेस का, का काम करते हैं जैसे मीडिएटर का, का काम करते हैं हमारे और कंप्यूटर के बीच में ठीक है यानी जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर उसके और कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का, का काम करते हैं हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कंप्यूटर को उस इन सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है करना क्या है ठीक है क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है ठीक है एग्जाम्पल एक्ट लिंक बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर सो एज टू वर्क टुगेदर एग्जाम्पल में क्या है जैसे एक कोई लिंक जैसे मैंने आप से लोगों से कहा ना मीडिएटर का, का, का काम करते हैं या फिर कोई एक लिंक जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में हो ठीक है एक साथ काम करती है कोई एक लिंक जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक साथ वर्क करे ठीक है सम ऑफ़ द कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर विंडोज सेवन यूनिक्स लाइन मैक ओ एस एंड्रॉयड एट्सेट्रा ये आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का ठीक है सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका विंडोज़ सेवन है ये आप सबने यूज़ किया है कंप्यूटर में भी आप लोगों ने देखा है अगर आपको कोई फाइल फाइल बनानी है या फिर पिक्चर ड्रॉ करनी है ठीक है बहुत सारा वर्क है आपका पावर पॉइंट है ये सब क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है ये इस पर हम जो भी फाइल वगैरह जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इस इसके अकॉर्डिंग ही तो वर्क इसके अकॉर्डिंग ही वर्क होता है ठीक है आप लोग को समझ में आया होगा अगर अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है थीके? आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई भी पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है विंडोज सेवन यूनिक्स लाइन मैक विंडोज सेवन तो आप सबको याद ही होगा ठीक है मैक कोएस एंड्रॉय एंड्रॉयड आज हम सब यूज़ कर रहे हैं ठीक है चलिए अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं नेक्स्ट में देखेंगे फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है काम क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ठीक है चिल्ड्रेन और आप लोग प्लीज़ लगातार वीडियो चैनल को विज़िट करते रहिए आपका जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछते रहिए ठीक है थीके? और अगर आप लोग को कहीं कुछ समझ में नहीं आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए ठीक है और अगर अब आप लोग को चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक like और सब्सक्राइब तो बनता है आप अगर एक लाइक like कर देते हैं आप सब्सक्राइब कर देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी बी हैप्पी स्टे हेल्दी हैव अ गुड डे बाय